जैसे आपने अभी प्रोग्राम देखा अंदर, तो सभी जो स्पीकर से भी हाईलाइट किया है इस चीज़ को। इसके चलते हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 500 से भी ऊपर कर्मचारी हैं हमारे पुलिस के, उनको ट्रेंड किया है। हमने मास्टर ट्रेनर भी यहाँ ट्रेंड किए हैं। हमने स्पेशल वे हमारे रिफाइन करके 64 IO को तैयार किया है, जिसमें एक स्पेशल ऐप होती है जिसमें एविडेंस हमने लेना होता है, बॉडी बॉडी उसमें भी उनका हमने प्रॉपर डेमो भी किया है, CCTV के साथ इसको हम किया है। ICGS सिस्टम है उसमें हमने उनकी ID बनाई है। इसके अलावा एक आई गार्ड कर्म योगी ट्रेनिंग एक ऐप है, उस पर भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं ट्रेंड किए गए हैं। यहाँ जैसे आज आपने देखा थाना दिवस हुआ है, ज़िला किश्तवाड़ के जितने भी 6 पुलिस स्टेशन हैं इस वक्त थाना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में जो कानून थे वो अभी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, लेकिन आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून जो है हमारे देश में, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, 3 नए कानून जो है लागू होंगे। इन कानून में बहुत सारी तब्दीलियां हुई है। देखिए, एक जमाना था जब हम रिसोर्सेज नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मौजूदा दौर को देखते हुए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि क्यों ना इस तरह के कानून लाए जाएं जो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हों। अब यहाँ अंदर भी आप जो प्रोग्राम अभी तक देख रहे थे, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बात की, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर ने तफसीलन बात की, और ये बात सब लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 1947 से पहले तक का था, और ज़रूरत पड़ी कि अब नया जो है वो नए कानून लाए जाए। मोटे मोटे तौर पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो इस नए कानून में है, जिनकी रूह से जो है आम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अदालतों में मुकदमे बहुत देर से रवा हैं, खासकर क्रिमिनल केसेस, क्योंकि क्रिमिनल केसेस कोई सीमा नहीं होती। सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स में वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट्स हुई, उसमें टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में इस तरह के अमेंडमेंट्स नहीं आए थे जिसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स होगा। अब जो है टाइम फ्रेम फिक्स हुआ है, यानी अगर आपका चलान कोर्ट में पेश होता है तो चलान पेश होने के एक सीमा ने रख दी है कि उस सीमा के अंदर अंदर जो है उस चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद जब ट्रायल कंप्लीट होता है, शहादतें होती हैं, बहस होती है, उसके बाद कई सालों तक हमने देखा कि मुकदमे जो हैं वो फैसले के लिए रह जाते हैं, लेकिन अब इसमें भी एक सीमा फिक्स कर दी गई कि जब आपका ट्रायल कंप्लीट होगा तो एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है उसकी जजमेंट जो है अनाउंस होगी। अब जीरो FIR का कॉन्सेप्ट पहले था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं था, अब जीरो FIR का कॉन्सेप्ट है। आप कहीं भी बैठ करके FIR लॉन्च कर सकते हो, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर FIR लॉन्च करने की जरूरत नहीं, आप ईमेल के द्वारा, आप SMS के द्वारा जो है वो FIR लॉन्च कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपने जाकर पुलिस स्टेशन में वहाँ पर सिग्नेचर्स करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि एक नए कानून है, इस पर अगर तफसील से बात करें तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये बता दूँ कि कानून की